नमस्कार, अमृत विचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिना खान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टरों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों की भूमिका की सराहना भी की। विनय कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का प्रकोप देश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सभी डॉक्टर निडर होकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जहां चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों को माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की और उनके काम की सराहना की और कहा, कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते यह सभी हमारे लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। वहीं सभी डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता विवेक शर्मा ने सभी को नमन किया और उनका आभार व्यक्त किया। हमारे जो संघ के लोगों ने सम्मान किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो अभी एक पांडेमिक चल रहा है दुनिया में, कोरोना वायरस से लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं, तो लगभग 6000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पीड़ित हो चुके हैं और बड़ा डेंजरस बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है। देवदूत के रूप में हमारे डॉक्टर्स और ये नर्सेस दिन रात अपने घर परिवार को छोड़कर केवल हम आम जनता की मदद के लिए, हम गरीबों की मदद के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ना अपने इन्हें भूख प्यास की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, तो इनका सम्मान करने के लिए कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि इस मुश्किल घड़ी से ये ही केवल एक आसरा हमारे लिए है कि जो हमें इस संकट से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील है कि 7 फुट डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए हमें कोई भी कार्य करना है, तो उसका विशेष यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और हम सभी कार्यकर्ता विशेष रूप से इन भगवान स्वरूप ही हैं ये सब डॉक्टर्स, इनके लिए हम सम्मानित करते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि ये सब अपने घर परिवार को छोड़ के हम लोगों की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं।